दिल्ली से हैं सीता, स्वागत है आपका नमस्कार जी। नमस्कार, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तेज आवाज में बात कीजिए। जी, जी जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। जी, ऐसे मैंने पहले भी तीन सा फोन किया था लड़के के बारे में। हेलो, लड़के के जी बारे में मैंने रिपोर्टें वगैरह भी भेजी थी आपके उधर, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पे की रिपोर्ट तो देखी नहीं। फिर बाद मैंने करी तो उन्होंने कहा कि आपको हर्निया है ना, हर्नियों का ऑपरेशन करवाओ, बस कोई इलाज नहीं। अब लीवर के बारे में तो उन्होंने देखा नहीं, और मैंने वो मंगाया था नमक जैतून, आपको बताया था वो सूट नहीं करा लड़के को, तो अब आप कोई और सुजेशन दो उसका क्या करें। उन्होंने तो यही, हमारे पास हर्नियों का इलाज नहीं है, तो बाकी लीवर के बारे में कुछ नहीं हमें बताया, ठीक ना ही रिपोर्ट देखी है अभी तक उन्होंने, ठीक है ठीक आप है सुजेस्ट करें हमें। जी। अच्छा देखिए, अगर ज़्यादा हर्निया है तो उसका ऑपरेशन ही बेहतर है, तो वो आप करा लें। उन्होंने नहीं देखा होगा ऐसा कि उसमें गुंजाइश हो ठीकने की, थोड़ा सा हो तो वो ठीक होना मुमकिन है। मैंने भी आपको बताया होगा ये बात। और एक आती बूटी गिलोय, गिलोय आप समझ सकते हैं, एक बूटी बहुत मशहूर है, नहीं तो लिख लीजिए गिलोय। ये सूखी भी मिलती है और अक्सर आपने देखा होगा आपके आसपास ही एक पेड़ पे चढ़ी हुई एक बेल है लंबी सी, तो महिलाएं भी जानती हैं उन्हें गिलोय, नहीं तो सूखी भी बूटी ले लीजिए, ये पंसारी के यहाँ मिलती है। तो ऐसा 2-3 इंच की गिलोय आप या तो पानी में उबाल कर पिलाया करें बच्चे को रोज़ाना, एक बार या 2 बार, और खाने के बाद, खाने से पहले, कैसे भी आप पिला सकते हैं। खूब उबाल के इसमें जैसे 2 गिलास पानी रखते हैं और इतना उबालते हैं कि 1 गिलास रह जाए, फिर इसको बच्चे को पिलाया करें, आपके बच्चे को फायदा मुमकिन है। जी, भंवर सिंह जी हैं बीकानेर से, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मेरे थोड़ी मसे की तकलीफ है, नसों की तकलीफ, मसा मसा मसा, पाइल्स। अच्छा पाइल्स की पाइल्स। तकलीफ जी, अच्छा देखिए पाइल्स के, अच्छा उसमें उसमें दर्द नहीं होता है, खून भी नहीं आता है, एक फुलावट है बस। देखिए, एक तो मस्से होते हैं सख्त से और एक होते हैं मोटे, होते पतले हो जाते हैं, तो मस्से नहीं होते बल्कि वो जगह सूज जाती है, तो वो मस्से से ही लगते हैं। अगर सख्त वाले मस्से हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर वो जगह पे वर्म आ जाता है, लेटिन की जगह तंग हो जाती है, तो वो मस्से से लगते हैं, तो उनका इलाज है। तो कौन से हैं आपको, कौन से मस्से हैं आपको, सख्त वाले हैं, परमानेंट मस्से हैं या खत्म हो जाते हैं और हो जाते हैं? नहीं, वो परमानेंट है ना, तो थोड़ी सी मतलब उमड़ी सी होती है, बाकी दर्द नहीं होता, खून भी नहीं आता। हाँ परमानेंट नहीं है, लेकिन ये आप पेट ठीक कर लें तो आप ठीक हो सकते हैं। सौंफ, धनिया, सौंफ, धनिया, मेथी, सौंफ, धनिया, मेथी और आंवला 200-200 ग्राम लें, पाउडर बना लें, और इसमें नमक जैतून आता है एक चीज़, नमक जैतून, जो देखने में नमक जैसा ही लगता है लेकिन नमकीन नहीं होता, इसकी ये शान है, इसे जैतून का नमक या रसायन जैतून भी कहते हैं, जैतून का रसायन भी कहते हैं, एस्टेक जैतून भी कहते हैं। ये 150 ग्राम लें और इसमें 800 ग्राम दवा में के साथ पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से खाएं, खाने से पहले, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं बड़ौत से, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है मैम मेरा नाम नीशु है। जी? निशु, आपका सवाल क्या है? मैम मेरे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैम सबसे पहले मैं अपने पापा के लिए जानना चाहूंगी। पूछिए। बोलिए बेटा। जी मैम, मेरे पापा जो है उनकी उम्र होगी करीब 50 साल, और उनके घुटने मतलब बैंड हो चुका पैर, और घुटनों में कोई डॉक्टर को दिखाते हैं, कभी तो बताते हैं कि गैप आ चुका हड्डियों के बीच में, कभी ग्रीस खत्म हो गया, कभी कैल्शियम खत्म हो गया, मतलब हर डॉक्टर की अलग अलग ऑक्यूपेशन होती है। तो अच्छा वो मैम चलते मैं हैं? अकीन साहब से जानना चाहूंगी सर, 10-12 साल से। हाँ नहीं चलते हैं वो?
हाँ जी हाँ जी चलते हैं वैसे, बट थोड़ा जैसे ऐसा नहीं होता लंगड़ा लंगड़ा सी के चलते हैं। ठीक है ठीक है जी और कोई सवाल है? जी दूसरा सवाल हाँ जी हाँ आपका। जी मैम, एक तो मेरे फेस पे पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा रुआ है ठीक है, और सर पे मेरे बाल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है? नहीं मैम, और मेरी एज भी ज्यादा नहीं है, 20 साल है, और मैम मेरी हाइट भी बहुत कम है, 5 फुट मुश्किल से है। ठीक है जी और कोई सवाल? नहीं सर, फिलहाल तो यही है। ठीक है जी अच्छा देखिए, सबसे पहले पिताजी का ही इलाज करिए आप, और घबराइए बिल्कुल नहीं, और मेरी बात गौर से सुनिए। देखिए उनके लिए एक तो ये वेस्टर्न टॉयलेट घर में ज़रूरी है, नहीं है तो लगवा लीजिए, ठीक है? ये उनकी बीमारी के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है? ये लगवा लीजिए, फिर वो दवा शुरू करना जो मैंने बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, एक गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, लिख लीजिए गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं। अच्छा ये असली हासिल करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि नकली बहुत मिलने लगा है। जायके में कड़वा होता है, देखने में काला होता है, इसलिए काला गोंद भी इसे कहते हैं। और अगर आपको 100-200 ग्राम मिल गया तो ये 1 ग्राम रोज़ खाना है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, ठीक है? 10-12 रुपये रोज़ की का इलाज है। सबसे पहले आप अपने पिताजी का इलाज कर लें, भरोसा भी हो जाएगा, यकीन भी हो जाएगा, फिर अपना इलाज करना। और ये असली ज़रूर लें, और आप अपने हार्मोन्स टेस्ट करा लें, वो डिस्टर्ब हो गए। अगर वो डिस्टर्ब हैं तो उन्हीं का इलाज करें, तभी आपको फायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं सीता, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तेज आवाज में बात कीजिए। जी जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मैंने पहले भी 300 फोन किया था लड़के के बारे में। हेलो जी जी, लड़के के बारे में मैंने रिपोर्ट वगैरह भी भेजी थी आपके उधर, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पे रिपोर्ट तो देखी नहीं। फिर बात मैंने करी तो उन्होंने कहा कि आपको हर्निया है ना, हर्नियों का ऑपरेशन करवाओ, बस कोई इलाज नहीं। अब लीवर के बारे में तो उन्होंने देखा नहीं, और मैंने वो मंगाया था नमक जैतून, आपको बताया था वो सूट करा लड़के को, तो अब आप कोई और सजेशन दो उसका क्या करें। उन्होंने तो यही जो हेल्प हमारे पास हर्नियों का इलाज नहीं है, तो बाकी लीवर के बारे में कुछ नहीं हमें बताया, ना ही रिपोर्ट देखी अभी तक उन्होंने। ठीक है ठीक है, आप सुजेस्ट करें हमें। जी जी अच्छा देखिए, अगर ज़्यादा हर्निया है तो उसका ऑपरेशन ही बेहतर है, तो वो आप करा लें। उन्होंने नहीं देखा होगा ऐसा कि उसमें गुंजाइश हो ठीक नहीं की, थोड़ा सा हो तो वो ठीक होना मुमकिन है, मैंने भी आपको बताया होगा ये बात। और एक आती बूटी गिलोय, गिलोय आप समझ सकते हैं, एक बूटी बहुत मशहूर है, नहीं तो लिख लीजिए गिलोय। ये सूखी भी मिलती है, और अक्सर आपने देखा होगा आपके आसपास ही एक पेड़ पे चढ़ी हुई एक बेल है लंबी सी, तो महिलाएं भी जानती हैं उन्हें गिलोय, नहीं तो सूखी भी बूटी ले लीजिए, ये पंसारी के यहाँ मिलती है। तो ऐसा 2-3 इंच की गिलोय आप या तो पानी में उबाल कर पिलाया करें बच्चे को रोज़ाना, 1 बार या 2 बार, खाने के बाद, खाने से पहले, कैसे भी आप पिला सकते हैं, खूब उबाल के इसमें जैसे 2 गिलास पानी रखते हैं और इतना उबालते हैं कि 1 गिलास रह जाए, फिर इसको बच्चे को पिलाया करें, आपके बच्चे को फायदा मुमकिन है। जी भंवर सिंह जी हैं बीकानेर से, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मेरे थोड़ी मसे की तकलीफ है। नसों की तकलीफ? मसा पाइल्स। अच्छा पाइल्स। अच्छा देखिए पाइल्स के उसमें दर्द नहीं होता है, खून भी नहीं आता है, एक फुलावट है बस। देखिए एक तो मस्से होते हैं सख्त से, और एक होते हैं मोटे होते पतले हो जाते, तो मस्से नहीं होते बल्कि वो जगह सूज जाती है, तो वो मस्से से ही लगते हैं। अगर सख्त वाले मस्से हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर वो जगह पे वर्म आ जाता है और लेटिन की जगह तंग हो जाती है तो वो मस्से से लगते हैं, तो उनका इलाज है।
तो कौन से हैं आपको, है? कौन से मस्से हैं आपको? सख्त वाले हैं, परमानेंट मस्से हैं या खत्म हो जाते हैं और हो जाते हैं? नहीं, वो परमानेंट है ना, तो थोड़ी सी मतलब उमड़ी सी होती है, बाकी दर्द नहीं होता, खून भी नहीं आता। हाँ, परमानेंट नहीं है, लेकिन ये आप पेट ठीक कर लें तो आप ठीक हो सकते हैं। सौंफ, धनिया, सौंफ, धनिया, मेथी, सौंफ, धनिया, मेथी और आंवला, 200-200 ग्राम लें, पाउडर बना लें। और इसमें नमक जैतून आता है, एक चीज़ नमक जैतून, जो देखने में नमक जैसा ही लगता है लेकिन नमकीन नहीं होता। इसकी ये शान है, इसे जैतून का नमक या रसायन जैतून भी कहते हैं, जैतून का रसायन भी कहते हैं, एस्टेक जैतून भी कहते हैं। ये 150 ग्राम लें और इसमें 800 ग्राम दवा में के साथ पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से खाएं, खाने से पहले, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं बड़ौत से, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? मैम मेरा नाम नीशु है। जी निशु, आपका सवाल क्या है? मैम मेरे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैम सबसे पहले मैं अपने पापा के लिए जानना चाहूंगी। पूछिए। बोलिए बेटा। जी मैम, मेरे पापा जो है उनकी उम्र होगी करीब 50 साल, और उनके घुटने मतलब बैंड हो चुका पैर, और घुटनों में कोई डॉक्टर को दिखाते हैं कभी तो बताते हैं कि गैप आ चुका हड्डियों के बीच में, कभी ग्रीस खत्म हो गया, कभी कैल्शियम खत्म हो गया, मतलब हर डॉक्टर की अलग अलग ऑक्यूपेशन होती है। तो अच्छा, वो चलते मैं हैं? अकीन साहब से जानना चाहूंगी सर, 10-12 साल से। हाँ नहीं चलते हैं वो? जी हाँ जी, चलते हैं वैसे, बट थोड़ा जैसे ऐसा नहीं होता, लंगड़ा लंगड़ा सी के चलते हैं। ठीक है, ठीक है। जी और कोई सवाल है? जी दूसरा सवाल हाँ जी हाँ आपका? जी मैम, एक तो मेरे फेस पे पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा रुआ है, ठीक है, और सर पे मेरे बाल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। नहीं मैम, और मेरी एज भी ज्यादा नहीं है, 20 साल है, और मैम मेरी हाइट भी बहुत कम है, 5 फुट मुश्किल से है। ठीक है, जी और कोई सवाल? नहीं सर, फिलहाल तो यही है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा देखिए, सबसे पहले पिताजी का ही इलाज करिए आप, और घबराइए बिल्कुल नहीं, और मेरी बात गौर से सुनिए। देखिए, उनके लिए एक तो ये वेस्टर्न टॉयलेट घर में ज़रूरी है, नहीं है तो लगवा लीजिए, ठीक है? ये उनकी बीमारी के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है? ये लगवा लीजिए, फिर वो दवा शुरू करना जो मैंने बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, एक गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, लिख लीजिए, गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं। अच्छा, ये असली हासिल करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि नकली बहुत मिलने लगा है। जायके में कड़वा होता है, देखने में काला होता है, इसलिए काला गोंद भी इसे कहते हैं। और अगर आपको 100-200 ग्राम मिल गया तो ये 1 ग्राम रोज खाना है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, ठीक है? 10-12 रुपये रोज की का इलाज है। सबसे पहले आप अपने पिताजी का इलाज कर लें, भरोसा भी हो जाएगा, यकीन भी हो जाएगा, फिर अपना इलाज करना। और ये असली ज़रूर लें, और आप अपने हार्मोन्स टेस्ट करा लें, वो डिस्टर्ब हो गए। अगर वो डिस्टर्ब हैं तो उन्हीं का इलाज करें, तभी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।